माई रे माई, हमरा उहे लड़की चाहिए, शूटिंग चल रही है, हमने आज देखा आप काफी खून में लथपथ थे। सबसे पहले तमाम भोजपुरी दर्शकों को, श्रोतागणों को, उनके सबसे चहेते हीरो, उनका अपना हीरो, उनके घर के बच्चे को प्रदीप पांडे चिंटू की तरफ से बहुत बहुत प्रणाम है। और पूरे भोजपुरी समाज को पैर छू के प्रणाम करता हूँ। और आज हम लोग बहुत ही खूबसूरत फिल्म, बहुत ही धमाकेदार फिल्म और फुल्ली एंटरटेनिंग फिल्म, जिस फिल्म का नाम है माई रे माई हमरा उहे लईकी चाही, उसकी शूटिंग कर रहे थे। उसका एक एक्शन सीक्वेंस होता है, एक्शन सीक्वेंस के बाद का ये पूरा जो कोर्ट का जो ड्रामा था वो चल रहा था, और काफी मजेदार, काफी धमाकेदार और काफी चुलबुलाहट है इस फिल्म में। जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि माई रे माई हमरा वो है लेके चाहिए, उतनी ही चुलबुलाहट, उतनी ही मस्ती, उतना ही नोकझोंक इस फिल्म में आप सभी को, हमारे दर्शकों को देखने को मिलेगा। साथ ही साथ मैं ये बात जरूर मेंशन करना चाहूंगा, ये बात जरूर बोलना चाहूंगा कि ये फिल्म हमारे भोजपुरी की उन तमाम महंगी फिल्मों में से एक है, क्योंकि इसका बजट बहुत ज्यादा लगा हुआ है। जब इस फिल्म का जब पोस्टर, जब ऑफिशियल फर्स्ट लुक आप सबके सामने आएगा और जब इसका ट्रेलर या टीजर आपके साथ आप सबके सामने आएगा, तो आप लोग को वो भव्यता देखने को मिलेगा जो भोजपुरी सिनेमा में जो कहीं ना कहीं जो विलुप्त होता है, जो लोग देखना चाहते हैं। मुझे काफी लोग बोलते हैं, मैसेज करते हैं, फोन करते हैं कि हमें साउथ जैसा एक्शन देखना है या हमें वो भव्यता देखनी है। तो मैं कहूंगा कि ये वही सिनेमा है जिसमें हर तरीके का मसाला है और पूरी वो साउथ पैटर्न का एक्शन है, क्योंकि हमने इसका एक्शन मास्टर जो है वो साउथ इंडस्ट्री से ही बुलाए थे और काफी बड़ा नाम है एक्शन मास्टर मलेश जी, जो काफी बहुत ही उम्दा फाइट मास्टर हैं, जिन्होंने बहुत ही कमाल का एक्शन कराया इस फिल्म में। बहुत ही दमदार एक्शन है जो मेरे ख्याल से अब तक किसी भी भोजपुरी सिनेमा में लोगों ने नहीं देखा है, इस तरीके का सीक्वेंस, इस तरीके का एक्शन। और गाने तो बहुत ही कमाल है, मैं जब भी होता है तो दिन में कम से कम 5-10 बार तो इसके गाने गुनगुना ही लेता हूँ, गा ही लेता हूँ। और जितने भी लोग सेट पे, जितने भी लोग शूटिंग के सेट पे जो काम करने वाले लोग हैं, वो सब लोग इस फिल्म के गानों को हमेशा गाते रहते हैं। तो बस बोलने का मतलब वही है कि फिल्म काफी कमाल की और काफी ज्यादा खूबसूरत और काफी ज्यादा एंटरटेनिंग है, जो शुरुआत से लेकर अंत तक सभी लोगों को हंसते खिलखिलाते और बहुत ही ज्यादा ट्विस्ट देता रहेगा। तो इस फिल्म में आपके साथ प्रीति ध्यानी जी है, जिनके साथ आप पहली बार पूरी फिल्म कर रहे हैं, तो उनके उनके बारे में कुछ बताएंगे, क्योंकि उनका एक्टिंग तो हमने देखा काफी अच्छा है। हाँ, अभी प्रीति ध्यानी ने अभी मेरी फिल्म आई थी ससुराल, जो लोगों ने काफी पसंद की, काफी बड़ी हिट रही फिल्म और लोग काफी ज्यादा प्यार दे रहे हैं उस फिल्म को। उस फिल्म में गाना था राधे राधे प्रेम बरसा दे, जो काफी लोकप्रिय हुआ, लोग बहुत ज्यादा उस गाने को सुन रहे हैं, उस गाने पे बहुत ज्यादा वीडियोज आ रहे हैं, वीडियोज वायरल हो रहे हैं। उस गाने पर उन्होंने एक स्पेशल सॉन्ग किया था उस फिल्म में, जो उस फिल्म में वो इंट्रोड्यूस हुई थी उस गाने के थ्रू। उन्हें इस फिल्म में वो बहुत ही खूबसूरत अभिनय करते, वो आप सबके सामने नजर आएंगी और काफी ज्यादा ग्लैमर लुक में, काफी ज्यादा हॉट अंदाज में और काफी एकदम सेक्सी और अपीलिंग अंदाज में वो इस फिल्म में नजर आने वाली है। तभी तो चिंटू कहेगा कि माई रे माई हमरा उहे लईकी चाही। पहले तो दर्शकों को प्रीति ध्यानी की तरफ से ढेर सारा प्यार और नमस्ते। मैं प्रीति ध्यानी, आज हम माई रे हमरा के उही लईकी चाही के सेट पे हैं, बहुत मजा आ रहा है। आप लोग भी आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और बस आप पूछिए, आप इस फिल्म में आपका किरदार क्या है और आपके हीरो हैं? जी, मैं इसमें एज ए लीड काम कर रही हूँ, मेरे साथ चिंटू जी हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है उनके साथ काम करके। वैसे तो हम गुजरात में एक शेड्यूल करके आए, ये सेकंड शेड्यूल है हमारा बॉम्बे में, बॉम्बे में करके बहुत एक्साइटेड फील कर रही हूँ, एक्साइटमेंट हो रही है। बस इसके पहले भी चिंटू जी के साथ एक फिल्म में आप कर चुके हैं, जो अभी हालिया रिलीज हुई है। हाँ जी, इससे पहले हम ससुराल मैंने मूवी की है, उसमें एक सॉन्ग किया है, सो आपने देखा होगा, बहुत अच्छा सॉन्ग था, उसमें भी हमारी बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी और इसमें भी आपको उससे अच्छी केमिस्ट्री आपको दिखाई देगी। बस आशा करती हूँ जैसे आप उन्हें अपना प्यार आशीर्वाद दुलार देते हो चिंटू जी को, वैसे ही मुझे भी दीजिए। डायरेक्टर प्रोड्यूसर बनेंगे? हमारे डायरेक्टर है अजय जी, बहुत अच्छे हैं, बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत अच्छे हैं। और प्रोड्यूसर है नरेश जी, तो बस उन्हें यही कहूँगी कि आप लोगों ने मुझे इस मूवी में काम करने का मौका दिया है, भरोसा रखा है, उसके लिए थैंक यू सो मच। आने वाली फिल्मों की बात करें तो आने वाली तो अभी लाइनअप कर रही हूँ स्क्रिप्ट, अभी फिलहाल तो मैंने फाइनल नहीं की है। वैसे मैं मॉडलिंग करती हूँ, एज अ हिंदी इंडस्ट्री में मॉडलिंग करती हूँ, तो बस मॉडलिंग मेरी चालू है। मैं जज की भूमिका में मैं हूँ और मुझे लगता है मैं शायद पहली बार कोई जज की भूमिका कर रहा हूँ, बड़ा अच्छा भी लग रहा है मुझे। और इतना तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस तरह से हमारी भोजपुरी फिल्में, जो हमारी भाषा भी है, जिस तरह से प्रदर्शित हो रही है,
आने वाले समय में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री साबित होने वाली है। और फिल्म के जो आज शूटिंग चल रहा है, क्या कहना चाहिए, किसका शूटिंग चल रही है? अभी तो ये कोर्ट का सीन है, अभी हमारी शूटिंग शुरू होने वाली है। बहुत चीजें हमको कुछ उतना पता भी नहीं है फिल्म के बारे में, लेकिन इतना मुझे पता है कि जो मेरी भूमिका है वो जज की भूमिका है और मैं अपनी भूमिका निभाने आया हूँ। हाँ, जय झाजी बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं और काफी नाम सुना है, लेकिन शायद मेरी आज उनसे पहली बार उनके साथ में काम करूंगा, लेकिन नाम बहुत सुना है जय झाजी का। एक तो साफ सुथरी मूवी है, जैसा कि मुझे मालूम हुआ है कि पहले भी मैंने कहा था कि हम तो इसे टेलीविजन सबसे ज्यादा करते हैं, भोजपुरी थोड़ा कम ही करते हैं, और मैंने जब करते भी हैं भोजपुरी तो स्पष्ट पूछ लेते हैं कि क्या हमारी माएँ बहनें इस फिल्म को देख सकती हैं, तो मुझे पता चला कि काफ़ी साफ सुथरी फिल्म है और ऐसे ही फिल्म को की समाज को ज़रूरत है, और अगर हम ऐसे ही साफ सुथरी फिल्म अजय झा जी के माध्यम से देते रहें तो आने वाला दिन में वो दूर नहीं है जब हमारे जो दर्शक हैं वो क्रीमी लेयर भी के हो जाएंगे। चिंटू तो अभी गजब ढा ही रहा है और आगे भी गजब ढाएगा, हीरो हीरोइन भी लाजवाब है, फिल्म का स्क्रिप्ट भी लाजवाब है और जो राइटर है वो तो अपने आप में लाजवाब है और आप लोग भी लाजवाब हैं। बिल्कुल, सबसे पहले तो प्रणाम आदाब मेरे मालिक मेरे दोस्त। आज हमने के जोन फिल्म के बारे में बात करत नहीं जा, एगो बात करके चाहत नहीं कि जवानी एगो ऐसा चीज हो कि जब आदमी पे आ जाला तो बड़ा लोग के परेशान करेला और ये परेशानी में सब लोग पड़ जाला, माई बाप गांव वाला यार दोस्त रिश्तेदार सब परेशान हो जाला कि अरे बाप रे बाप अब एक ब्याह करो, और कुछ ना तो रिश्तेदार से बतियावे लगे अरे भाई तहार छावड़ा तो जवान हो गए बाप एक ब्याह करो। आ जाहिर सी बात बाकी जवानी के दहलीज पे कदम होके आ केहू नजरिया में गड़ जाए आ नजरिया से जब दिल में उतर जाए तो जमाना चाहे कितनों बड़ा दुश्मन हो जाए लेकिन हर हाल में एक एगो बात कहे के पड़ेला और वो ये कि माई रे हमरा 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 उहे लड़की चाहिए। तो आज हमने के जोन बात करत नहीं सन वो फिल्म के नाम हम माई रे हमरा उहे लड़की चाहिए, तो टाइटल से तो हमार मालिक हमार दोस्त आप सब समझ गए हो खेम कि ये फिल्म में का हो सकेला। अरे बड़ी मस्ती बा, बड़ी का बाप सबसे कही हम आ ये फिल्म के एक बार देखेम ना तो साँचो हमार युवा भैया लोग जितना बा वो तो जरूरी बात अपने घर जाके कही माई रे हमरा उहे लड़की चाहिए। आपके किरदार का जी जाहिर सी बात बा कि आज तक हम आप सबके हंसावल हंसौले बानी गुदगुदौले बानी ना, तो यहू फिल्म में उहे काम बा। ये फिल्म में जहाँ नायक के रूप में युवा सुपर स्टार प्रदीप पांडे चिंटू बाबा बाड़े उन्हें उनका साथ है हमनी ऐसा दोस्त बाड़े। अब जाहिर सी बात बा कि जब उनका साथ है हमनी ऐसा दोस्त हुई है तो क्या हो सकेला, ये मेरे मालिक मेरे दोस्त ही तो बताओ की जरूरत नहीं के नू ना नू तो समझ ले बड़ी बड़ी मजा से ही ओतप्रोत मजा से भरल जब बैठे देखे खातिर न एको मिनट हटे के मन ना करी। और एगो प्रश्न यहाँ के कोई नहीं है कि भाई ये फिल्म में हमनी के किरदार, तो देखिए हमरा यूपी बिहार के जितना भी भैया लोग बा जाहिर से बात बा कि वो कमाए खातिर बाहर के बहुत सारे स्टेट में जाला जैसे गुजरात मुंबई महाराष्ट्र ना होने बंगाल, तो वही यानी ये फिल्म में भी यूपी बिहार के लोग गुजरात में आवत तक काम करे और हमनी के साथ हमारे नायक भी काम करते रहे। अब उनका हो जाता कौन सी उहे जौन बतिया बे कनी है कि माई रे हमरा उहे लड़की चाहिए, तो अब आप समझ सकी ने। चले धन्यवाद आदाब प्रणाम मेरे मालिक मेरे दोस्त। का कहीं बहुत खुशी होला जब हमार लिखल फिल्म सक्सेस होला हिट होला लोग पसंद करेला तारीफ करेला, तो ये फिल्म के भी बहुत ज़्यादा तारीफ मिले बहुत ज़्यादा सक्सेस मिले ये चीज़ के बहुत खुशी होला इसे देख के। ये फिल्म के डायरेक्टर बनी अजय कुमार झा जी जी बहुत ही बेहतरीन बहुत ही अच्छा डायरेक्टर बनी वहाँ के, और वहाँ के भोजपुरी के तो बहुत फिल्म डायरेक्शन के लिए बनी जिनमें बहुत सारा हिट भी रहल बा, लेकिन ये फिल्म में बहुत ही ज़्यादा वहाँ के मेहनत करते नहीं और ये फिल्म में हीरो बड़ा प्रदीप पांडे चिंटू जी
से आजकल लगभग उनके हर फिल्म हम ही लिखा था नहीं, और उनके बहुत लोग पसंद भी करता लोग, और उनके हर फिल्म लगभग सब सुपर डुपर हिट ही जाता, तो हम उनकारा खातिर दुआ करता नहीं, प्रार्थना करता नहीं कि आगे भी उनके हर फिल्म सुपर डुपर हिट ही रहे। जिसे फिल्म का नाम बहुत थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा बा क्या कहा चाहे जी, फिल्म के नाम माई रे हमरा उहे लेके चाहें, और बड़ा नाम नहीं खे, ये आप लोग के बड़ा नाम लगा था, लेकिन भोजपुरी ठेठ नाम है, और भोजपुरिया हर लोग मतलब हर के बोले लोग, हम यो बोले नहीं, हम यो लेकर रहनी, हम यो गाँव में रहनी, तो कोनो भी चीज़ होला तो ऐसा ही गाँव में बोले नहीं, माई रे तनी खाना ले आ दे, माई रे हई कर दे, तो उहे तरह ये फिल्म के टाइटल बा हीरो जी, अपन जो हीरो बढ़ाने में अपना माई से मतलब विनती करते हैं, माई रे हमरा उहे लेके चाहें, तो ये बहुत ही अच्छा नाम बा, और इतना भी मतलब विश्वास बा कि फिल्म बहुत ही अच्छा लोग के लगे। आपकी हर मूवी हिट हो रही है, इसके क्या कारण है, मतलब क्या सोच के दिख रहे हैं जल्द? क्या सोच के नहीं, लोग लोग के बारे में सोच के लिखा था नहीं, ताकि लोग के अच्छा लगे, और उहे लोग खातिर फिल्म बनेला, उहे लोग खातिर लिखे नहीं हम, उहे लोग खातिर मेहनत करे नहीं, तो ये कारण हो सकेला या होई कि हर फिल्म मतलब आजकल हिट जाता है। आपकी जोड़ी चिंटू जी के साथ बहुत मतलब हिट हो रही है, तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए सदियों से चलते आ रहा बा कि केहू ना केहू के साथ जोड़ी बनबे करेला, केहू ना केहू के जोड़ी हिट होला, तो उहे तरह हमियों के जोड़ी चल रहा बा, और रउआ लोग भी दुआ करे, रउआ लोग भी हमने के दुआ दी ताकि ये तरह हमेशा चलत रहे। नहीं आप बहुत स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे, तो क्या फील होता है आपको इस स्टेज पे आकर? हम पहले का इंसान नहीं थे जो स्ट्रगल करके इतना आगे आयल बनी, हर के स्ट्रगल के बाद मेहनत के बाद ही मतलब आगे आवेला, और स्ट्रगल के बाद जब सफलता मिलेला तो सीधी से बात बा सीना तो 56 इंच का हो ही जाला। ससुराल अभी इन दिनों में जितने पिक्चर आए बहुत अच्छी गई है, और उसका रिस्पांस भी अच्छा रहा है। और आज जो फिल्म की शूटिंग चल रही है, चिंटू मेरा भतीजा है, और पिक्चर का नाम माई रे माई वही लड़की चाहिए, और पिक्चर अच्छी बन रही है, और प्रोड्यूसर को, चिंटू को, ढेर सारी सबको, जितने भी यूनिट है सबको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। पिक्चर अच्छी बन रही है और पिक्चर अच्छी चलेगी। आज आप लोकेशन पे आए हैं, कोई खास हो रहा? नहीं नहीं ऐसे आया था चिंटू को मिलने, उसकी ससुराल अच्छी जा रही है, बोला चलो हाँ मिलके आ जाओ, बधाई देते हैं, बधाई देने के लिए बोला चलो। और आपके डिस्ट्रीब्यूशन में और कौन कौन फिल्में रिलीज होने जा रही है? अभी धड़कन है, धड़कन के बाद सिपाही है, एक हिंदुस्तानी है, फिर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है 11 अगस्त को जो मैं खुद बनाया है, उसके बाद मैं सेहरा बांध के आऊँगा, वो भी मैं खुद ही बनाया है, वो रिलीज है। अभी लाइन से ही पिक्चर हैं समझे, बॉम्बे में हम ही लोग करते हैं जितनी पिक्चर 99%।